हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में आईटीआई सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, वो भी 9 से 10, 11 तीन दिन परीक्षा होगी आपकी। उसके साथ साथ उसमें आपकी फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा होगी, सीबीटी और सेकेंड ईयर की दोनों की होगी, बस टाइमिंग अलग अलग है। वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे। तो इस व्हाइट बोर्ड पे हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। जैसा कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे, जो कि सेकेंड ईयर से है या फिर फर्स्ट ईयर से है। फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस है कंप्लीट हो गया है उसको स्टडी या रिवाइज करना है। जो सेकेंड ईयर का कंप्लीट हो गया है उसके हिसाब से सेकेंड ईयर वालों को क्या करना है, रिवाइज करना है। सेकेंड ईयर वाले में एक ऑप्शन ये भी है कि फर्स्ट ईयर का भी कुछ पूछा जा सकता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि जैसा कि अभी कल का जो 3 अगस्त का सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी उसमें बनाने के लिए आया था, जो आपका एक बोर्ड बनाने के लिए आया था, वो आपका कहाँ से था, फर्स्ट ईयर से था। सेकेंड ईयर के उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो ट्यूबलाइट का आया था, दूसरा 3 फेज सप्लाई का वाट मीटर से पावर को ज्ञात करना या चेक करने के लिए आया था। तो जैसा कि कल के ही हिसाब से बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो उसमें क्वेश्चन दिया गया था, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चोक के साथ, तो यहां पे हम उसका एक सर्किट बना के हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चोक हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चोक हो गई। इस चोक में यहां से आपके 2 वायर निकलेंगे, यहां से भी 2 वायर निकलेंगे। ये जो वायर होंगे ये आपके दोनों कैसे होंगे, अलग अलग कलर के होंगे। ये दोनों का कलर एक जैसा होगा, इन दोनों का कलर एक जैसा होगा। ये आपका एक पेयर हो गया और ये आपका दूसरा पेयर हो गया। अब यहां पे हमें ट्यूबलाइट को दिखाना है, ये आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट। ये आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हो गई। इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे यहां पे, जो कि यहां पे अंदर उसके इस तरीके से फिलामेंट बना रहता है, इसको यहां से हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, फेज और न्यूटन। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चोक है, इसमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें हम आपको कनेक्शन करके बता रहे हैं। इसको रफ कर दें, यहां पे आप इस तरीके से देख लो कि ये जो 2 वायर हैं, ये आपके कैसे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों वायर इस तरफ जुड़ेंगे और ये दोनों वायर, इन किन्हीं दोनों वायरों को, ये 2 पेयर हैं या ये 2 जो कलर के होंगे उनको अलग अलग जोड़ना है। तो अब इस ट्यूबलाइट की अगर कनेक्शन की बात करें, तो जो आपका ये वाला टर्मिनल है वो यहां पे जुड़ेगा, दूसरा जो वायर है वो आपका यहां पे, एक कनेक्शन आपका इस तरीके से हो गया। दूसरे कनेक्शन की अगर बात करें, दूसरा कनेक्शन आपका इस तरीके से दिख पा रहा है, हाँ ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहां पे फेस और न्यूट्रल दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चोक होगी, उसमें इनपुट सप्लाई होगी और आउटपुट सप्लाई होगी और टर्मिनल होगी। इनपुट सप्लाई हमारे पास
जो उसको हम इनपुट देंगे फेस और न्यूट्रल होंगे, आउटपुट से हमारे कितने वायर निकलेंगे, चार वायर निकलेंगे। लेकिन ये जो दो वायर होंगे ये एक कलर के होंगे और ये जो दो वायर होंगे वो एक कलर होंगे, किन्हीं दोनों तरफ हम इनको जोड़ सकते हैं। इस तरीके से फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रॉनिक चोक का इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। इसमें हमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाने का सबसे जो आसान तरीका है, या हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो इससे हमारी जो पावर खपत होती है वो क्या होती है, कम होती है। जो आपका ब्लास्ट चोक होता था उससे पावर की खपत क्या होती थी, ज्यादा होती थी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया और इस इलेक्ट्रॉनिक चोक को यहाँ पे लगा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।